वालेकुम वेलकम टू स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नाइन वेरिएशन एक्सरसाइज है नाइन पॉइंट टू क्वेश्चन है हमारे पास टू इफ ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सी प्लस ए अपॉन जेड प्लस एक्स प्रूफ दैट ईच ऑफ देम इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो इसमें भी हमने पिछले क्वेश्चन की ही करना है सबसे पहले फर्स्ट हम लेंगे यानी कि लेट ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू के आप यहाँ पर ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई के ठीक है वन देन बी प्लस सी अपॉन वाई प्लस जेड इज इक्वल टू के

आप एडिंग वन टू थ्री यानी कि ये वन टू थ्री जो इक्वेशन है इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए ठीक है एंड देन यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस वाई के प्लस यहाँ पर आ जाएगा वाई प्लस जेड के एंड देन प्लस z प्लस एक्स के ठीक है तो यहाँ पर ये यह हो गए टू ए प्लस टू बी प्लस टू सी ठीक है इज़ इक्वल टू अब यहाँ पर k को हम कॉमन ले लेते हैं अंदर कर देते हैं x प्लस वाई प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड प्लस एक्स ठीक है तो यहाँ पर ये टू ए प्लस टू बी प्लस टू सी इज इक्वल टू के कॉमन ही रहा अंदर क्या हो गए प्लस हो गए तो ये हो गए टू एक्स टू वाई टू जेड तो यहाँ पर टू कॉमन ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू टू के और यहाँ पर भी बाहर आ गया टू कॉमन एक्स प्लस वाई प्लस जेड ठीक है तो यहाँ पर जो है टू यहाँ पर आके मल्टी डिवाइड होगा तो ये कैंसिल हो गया अब यहाँ पर क्या रह गया K है K इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल सॉरी अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड तो हमारे पास K की वैल्यू आ गई अब हमने इसे K की जगह पर पुट करना है यानी कि इक्वेशन वन टू एंड थ्री में सो इक्वेशन वन में पहले डालेंगे तो थी a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई देन ए प्लस बी प्लस सी एन एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो यहाँ पर यह मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड ठीक है इसके बाद टू टू थी हमारे पास b प्लस सी इज़ इक्वल टू वाई प्लस जेड सेम यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी और x प्लस वाई प्लस जेड तो b प्लस सी अपॉन वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी और x प्लस वाई प्लस जेड इसी तरह c में भी c में था हमारे पास c प्लस ए C प्लस ए इज़ इक्वल टू Z प्लस एक्स मल्टीप्लाई होगा K की वैल्यू से यानी कि A प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो यहाँ पर ये यह क्या हो गया C प्लस ए अपॉन जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी और X प्लस वाई प्लस जेड तो ये हो गया प्रूफ के फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म तीनों जो हैं वो इक्वल हैं ए प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड के आंसर तो ये था आज अच्छा का क्वेश्चन आई होप कि आपको अच्छे समझ आ गया होगा मजीद एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब एंड साथ ही अपने क्लासमेट एंड फ्रेंड से शेयर भी ज़रूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़